सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आयुर्वेदिक YouTube चैनल अंसारी के नुस्खे पर। साथियों, आज के स्टूडियो में बात करेंगे लाहौरी नमक के फायदे के बारे में। जी हाँ साथियों, लाहौरी नमक के फायदे क्या है मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथियों, लाहौरी नमक जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है, साथियों लाहौरी नमक वैसे तो काफ़ी रोगों में काम आता है और ये खाने के काम भी लिया जाता है, लेकिन यह पैरों के सूजन के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। जी साथियों, जो व्यक्ति काफ़ी देर तक बैठे हुए काम करते हैं या किसी कारणवश पैरों में सूजन आ गई है तो उसके लिए यह नमक बहुत ही गुणकारी है। साथियों, लाहौरी नमक के इस्तेमाल से जो पैरों की सूजन है या चोट के कारण सूजन आ गई है कि शरीर किसी भाग पर, उसके लिए यह नमक अत्यंत लाभकारी है। साथियों, सूजन पर लाहौरी नमक का इस्तेमाल किस प्रकार करना है वो बताते हैं आपको। साथियों, आपको लेना है 50 ग्राम लाहौरी नमक। या साथियों, 50 ग्राम लाहौरी नमक लेना है आपको और 50 ग्राम गुलाबी फटकड़ी। साथियों, ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। अब साथियों, इन दोनों चीज़ों को, जो लाहौरी नमक और गुलाबी फटकड़ी है, इन दोनों को बिल्कुल बारीक पीस कर पाउडर बना लीजिए। और साथियों, हल्के से गुनगुने पानी में 2 चम्मच डालकर आपको अपने पैरों को थोड़ी देर उसमें रखना है और हल्के हाथ से धीरे धीरे धोना है। या साथियों, लगातार कुछ दिन ऐसा करने से जो आपकी हाथ पर सूजन है वो दूर हो जाती है। साथियों, इसके अलावा जो ये दवा है, नमक है, यह सूजन को दूर करने के साथ साथ जो किडनी की समस्या है, मधुमेह के लिए और त्वचा को मुलायम करने के लिए, थकान कम करने के लिए और अच्छी नींद लाने में भी सहायक है। साथ इसके साथ साथ यह मांसपेशियों की खिंचाव, घुटनों का दर्द और जोंटों का दर्द, ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव और रक्त संचार बढ़ाने में भी सहायक है। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।